नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गेट्स मेशर्स में। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट। कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डिटरमिनेंट होल्ड करके जाता है। जैसे प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, कुछ एक मेन प्रॉपर्टीज के बारे में हम यहाँ बात करेंगे जो हमारे पास रैंक निकालने के लिए या आगे आने वाले टॉपिक्स में हेल्प करने वाली है। उन सब चीजों के बारे में या टॉपिक्स के बारे में या प्रॉपर्टीज के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो वेलकम टू गेट्स मेशर्स, मेरा नाम है अंकित रोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, डिटरमिनेंट निकालना, माइनर निकालना, कोफैक्टर निकालना, यह सब हमने सीखा। डिटरमिनेंट कुछ एक प्रॉपर्टीज को होल्ड करके जाता है, जिनमें से पहली प्रॉपर्टी है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रोज आर चेंज्ड इनटू द कॉलम। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल के आता है कि अगर मान लो आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हो और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, देन आंसर विल रिमेन सेम। यानी कि अगर मैं कहीं पे भी किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट निकाल दूं, जैसे 1 2 3 1, तो इसका डिटरमिनेंट मेरे पास क्या निकल के आएगा। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट यहां पे निकालता हूं, 1 माइनस में 6, दैट इज माइनस का 5 आएगा। लेकिन अगर मैं इसके रो को कॉलम में चेंज कर दूं, कॉलम को रो में चेंज कर दूं, अभी भी आंसर 1 माइनस 6, माइनस का 5 ही आ रहा है, तो आंसर विल रिमेन सेम। ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होल्ड करके जाता है। इसको नोट करेंगे हमेशा कि इफ ऑल द रोज आर चेंज इनटू ऑल द कॉलम्स, या कॉलम में चेंज हो रहा है, दैट मींस उसके डिटरमिनेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ द डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज। अगर मान लो किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज किया जाता है, कॉलम को आपस में या दो रो को आपस में, तो डिटरमिनेंट में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस आता है। जैसे मान लो मैंने इधर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, तो आंसर मेरे पास आया 4 माइनस 6, कितना आ जाएगा इसका आंसर, -2। लेकिन अगर मैं दो रो आपस में चेंज कर दूं, पहली बात तो ये मैट्रिक्स का सिंबल है, मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, ठीक है, 3 4 1 2, मैंने दो रो को चेंज किया, 6 माइनस 4, आंसर कितना आया 2। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव का रिलेशन है। तो पहली प्रॉपर्टी कि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट करो या मैट्रिक्स का करो, बात एक ही है। दूसरी प्रॉपर्टी, कोई भी दो रो या कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दो, डिटरमिनेंट के अंदर नेगेटिव का डिफरेंस आएगा। इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन डिटरमिनेंट इज ऑलवेज जीरो। जब भी कोई भी दो रो, जैसे मान लो 1 3 1 3, किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल आ गए, सेम आ गए, डिटरमिनेंट हमेशा जीरो आएगा। 3 माइनस 3 इज 0। आप चाहे इसका एग्जाम्पल एक 3 बाय 3 मैट्रिक्स भी देके जा सकते हो। जैसे अगर मैं मान लो एक मैट्रिक्स इस तरीके से लिख दूं, 1 2 3 और 1 2 3, यहां पे क्या हुआ, दो रो आपस में आइडेंटिकल आ गई, इसका डिटरमिनेंट सोल्व कर लेना, आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसका डिटरमिनेंट निकाल दिया जाए, और अगर अलग से डिटरमिनेंट करके स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो क्या सेम आएगा, नहीं। वो कब सेम आएगा, आप एक तो स्केलर क्वांटिटी से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और डिटरमिनेंट निकाल दो, या फिर डिटरमिनेंट निकालने के बाद उस स्केलर से मल्टीप्लाई नहीं, उस स्केलर की पावर एन से मल्टीप्लाई करो, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एन जो है वो किसका ऑर्डर हो जाएगा, इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। आप कहोगे सिर्फ एन, तो स्केयर मैट्रिक्स का ही तो डिटरमिनेंट निकलता है ना, तो एन मतलब जितनी बाय जितने की, यानी कि 2 बाय 2 है तो एन 2 हो गया, 3 बाय 3 है तो एन 3 हो गया। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, मैंने लिखा 1 2 3 4, मैंने अगर इसका डिटरमिनेंट निकाला 9 ए का, यानी कि अब अगर मैं डिटरमिनेंट ए का निकाल के 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या काम चलेगा, नहीं। 9 की पावर आपको क्या करनी पड़ेगी, जितने बाय जितने की वो मैट्रिक्स है, अब आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब चेक करके देख सकते हो, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18, 9 3 जा, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 36। तो ट्राई कर लो, 36 × 9 − 18 × 27, एक तो ये आंसर आ गया, एक जो मैंने आपके सामने ए पहले से लिखा उसका निकाल लो, सेम आंसर निकलेगा। तो ये तो देखो छोटे छोटे एग्जाम्पल है, ये तो सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, मेनली अपने पास इसका डायरेक्ट यूज हो सकता है। इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम
आर प्रोपोर्शनल देन डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर मान लो कोई भी दो रो या जैसे मान लो वन टू थ्री है, यहां पे आ गया फोर, यहां आ गया एट और यहां पे आ गया ट्वेल्व। अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल इन द सेंस अगर मैं थर्ड रो में से फोर को हटा दूं, यानी कि कॉमन ले लूं, डिटर्मिनेंट में हमेशा क्या होता है एक रो या एक कॉलम से होता है, वो मैं बताता हूं अभी। अगर मान लो मैं इस तरीके से फोर कॉमन ले लूं थर्ड रो में से, तो यहां बचेगा वन, यहां बचेगा टू और यहां बचेगा थ्री, तो ये क्या हो गया आइडेंटिकल हो गया। तो यानी कि अगर रेशियो भी आ रहा है ना, वन बाय फोर, टू बाय एट इज वन बाय फोर, थ्री बाय ट्वेल्व इज वन बाय फोर, तब भी डिटर्मिनेंट जीरो होगा ही होगा। ठीक है, अब यहां पे मैंने क्या देखा, कभी भी किसी मैट्रिक्स के अंदर जब भी किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है, वो हर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई जाके हो जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में जब भी आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो या तो किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा या सिर्फ एक रो में मल्टीप्लाई होगा, जैसे मैं फर्स्ट कॉलम में कर दूं, है ना, पर मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। ऐसे सेम कॉमन है, आप अगर टू कॉमन लोगे तो सारे एलिमेंट से कॉमन आ जाएगा। यहां टू कॉमन लोगे, मेरी मर्जी है, मैं इधर से कॉमन लूं, इधर से लूं, इधर से लूं या इधर से लूं, एक रो या एक कॉलम में होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स की रो या कॉलम दो मैट्रिक्स की एडिशन में लिखी जा रही है, तब वो सम में कन्वर्ट हो सकती है दो डिटर्मिनेंट के। कैसे, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ वन मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। कैसे, देखो ये वाली तो सेम ही रहेंगी, सी वन सी टू तो सेम रहेगा, चेंज किसमें होगा, सॉरी सी टू सी थ्री चेंज रहेगा, सी वन में चेंज होगा, ए प्लस बी है ना, आप ए यहां लिख दो, बी यहां पे, सी यहां लिख दो, डी यहां पे, ई यहां लिख दो, एफ यहां पे, बाकी सब सेम रखो, जी एच आई यानी कि जी एच आई, जे के एल यानी कि जे के एल, और यहां पे वही जी एच आई एंड जे के एल। तो यानी कि इफ एनी रो एंड एनी कॉलम कैन बी रिटन एज एडिशन ऑफ टू एलिमेंट्स या एडिशन ऑफ टू नंबर्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो ये हमारी डिटर्मिनेंट की मेनली वो प्रॉपर्टीज है जिसका हम आने वाली वीडियोस के अंदर यूज करने वाले हैं। ये सिंपल सिंपल टाइप की या इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। डिटर्मिनेंट बहुत प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, बट ये सारी इन्हीं को घुमा फिरा के लिखी गई है। तो आई होप आपकी आज की वीडियो में आपको ये चीज समझ आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। अगली वीडियो के अंदर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए फ्रेश स्टार्ट के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।